बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं थिंक टैंक विद इकबाल शाहिद। आज की टॉप स्टोरीज़ में ख़ास हम अहम पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन वेबसाइट इशू की है, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल। ये एक नया लफ्ज़ है, ये पूरी दुनिया में हर शहरी को हक हासिल होता है कि वो इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर सके, फिर यह कि अपनी आवाज़ को, अपनी शिकायत को हुकूमत वक्त तक पहुंचा सके, और फिर वो कैसा डाटा बन सकता है जहां फिर एक पॉलिसी बन सकती है और मसलों को हल किया जा सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट ये होगा कि ग्वादर में एक नई तरक्की का आगाज़ होने जा रहा है, उसमें आज एशियन पार्लियामेंट असम्बली का अजलास हुआ, जिसकी आज इफ्तिताह हो चुका है, जो कायम काम सदर पाकिस्तान है सादिक संजरानी साहब, जो चेयरमैन सेनेट भी, उन्होंने इफ्तिताह किया। उसके बाद जिस तरह करंट अफेयर है, देखेंगे कि पाकिस्तान जो में एपीसी का एक अजलास होने जा रहा है, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब, और मियां नवाज शरीफ साहब ने उसमें जाने से माजूर इजहार किया। हालांकि इससे पहले हम ये देख रहे थे कि सारी पार्टियां जो अपोजिशन कहलवाती हैं, जो बहुत बड़ी देर तक इस मुल्क पर हुक्मरान रही हैं, वो इस तहरीक इंसाफ की नई आने वाली हुकूमत को मुश्किल का शिकार करने जा रही हैं। लेकिन जब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को शुरू में ही मालियाती बहरान का सामना है, और पाकिस्तान इस वक्त माली और मुआशी हालात में बहुत बुरे तरीके से गिर चुका है। लेकिन सऊदी अरब का जो छोटा सा बेल आउट पैकेज, उसको कह सकते हैं, जिससे रुपये की कीमत भी मुस्तहकम हुई, और थोड़ा सा IMF के साथ भी हम जब बार्गेनिंग करेंगे तो बेहतर शरायत पर कर सकेंगे। ये हमारा सवाल रहेंगे, हमारे पैनल के सामने हम रखेंगे। पैनल में मौजूद हैं कर्नल फर्रक चीमा साहब और अजहर सदीक साहब हमारे कानून हैं, उनके साथ गुलाम अकबर साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और अखबारात के कई दफ़ा चीफ एडिटर रह चुके हैं। हमारे साथ कंवल लियाकत साहब हैं, ये MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। वेलकम टू द शो अजहर सदीक साहब। आज थिंक टैंक में हमने ना कोई मखसूस किस्म के ऐसे इशूज़ रखे हैं जो तहरीक इंसाफ एक नया तजर्बा करने जा रही है। उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो है, ये एक नया उन्होंने बनाई है, वेबसाइट बनाई है। लोगों को उनका कहना यह है कि इंसाफ के लिए है, कंप्लेंट्स के लिए है, उसके सोल्यूशन के लिए है, इसके मतलब क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल साथ ही, क्योंकि फिर सारे पैनल भी सुन रहा है, कि ग्वादर में एक नई चीज़ हुई है कि एशियन पार्लियामेंट असम्बली का अजलास हो रहा है, जहाँ 26 ममालिक शिरकत कर रहे हैं, ये एक नेक साइन है। और चेयरमैन सेनेट ने, जो आज सदर पाकिस्तान भी हैं ऑफिशिएटिंग, तो उन्होंने इफ्ताह किया है। और जनूबी पंजाब के लिए भी स्पेशल तौर पर जो वादे किए गए थे, उसका अलहदा तशख्स, जब तक सूबा नहीं बनता, माली लिहाज से उनके हिस्से को अलहदा कर दिया जाए, तो क्या कहेंगे? ज़रा बहस का आगाज़ कीजिए। आईने पाकिस्तान बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। पूरी दुनिया के अंदर डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल अवेलेबल है, हमारे यहाँ शायद छुपा के रखने का, आपको पता है, किताबों के नीचे, फाइलों के नीचे, नोट भी पता है, छुपा के रखते हैं ना सारे आप, तो वो नमूदो नमाइश करते हैं आप, वो अलहदा बात है। आप गाड़ियों में जाना हो, शादियाँ करना हो, तो ये एक अच्छी काविज। इस कॉन्टेक्स्ट में आपने 18वीं तरमीम में आर्टिकल 19 से डाल दिया था राइट टू इंफॉर्मेशन एवरीबॉडी, और ये कॉन्सेप्ट कोई पुराना नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है कि हर चीज जो भी आप कर रहे हो पब्लिक शुड बी अवेयर ऑफ। और वैसे तो ये, लेकिन आप तो कोर्टों में भी गए हैं सिलसिले में, देखा ना? मैं तो सर वो एक 10x10 का कमरा भर गया मेट्रो से ले ले या चप्पल कंपनियों से ले ले, कुछ नहीं दिया है लोले। तो मैं तो इसको इसलिए पॉजिटिव समझता हूं कि ये कंप्लायंस है आर्टिकल 19 और 19A के कॉन्टेक्स्ट में, आर्टिकल 4 और 5 की है। और दूसरा ये देखिएगा, आपको मैं छोटी सी मिसाल बता दूं, 70,000 केस मैं कहने लगा हूं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं कह रहा, ये मैं बता रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट के सेल में वहां बैठ के, आप यहां से अंदाजा लगा लें कि इतने मसाइल हैं, कितने इश्यूज हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। फर्क सिर्फ है एक्सेस नहीं है, वो जो जंजीरी अदल थी ना खटखटाने के लिए, ये कोई शायद इमरान खान वो रवायत कायम करने जा रहा है, ये इसको अब जंजीर अदल की कोई ताजा तरीन मिसाल कह सकते नहीं, हम तो रिकॉर्ड जला देते तो कहां से लेते बात तो सच है मगर है रुसवाई की, वैसे वो इनको जुडिशल कमीशन बन चुका है, उसके ऊपर वो इंक्वायरी सारी होनी है और सारा कुछ सामने आ जाना है।
इससे एडवांटेज आप यूं कह सकते हैं कि ये जो किताबों की नज़र जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से नीचे दब के वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँचती थी, अब वो बराह रास्त चीज़ें पहुँचना होंगी और इट्स अ गुड साइन। और सवाल है ये ना हो कि वैसे तो वो टेलीफोन कॉल लिया करते थे नवाज शरीफ साहब, वो तस्वीर आया करती थी, वो दो चार दिन टेलीफोन कॉल ली, बेवकूफ़ बनाया कौम को और बस हो गए। मैं नहीं समझता कि इमरान खान को इसके साइड इफेक्ट भी ज़रा बताइए। अच्छा, मुझे भी याद है साइड इफेक्ट डेंजरस है, सोसाइटी दस्तों गिरेबान भी हो सकती है। देखिए बहुत डेंजरस इफेक्ट है, वजह ये है कि कई ऐसे मामला हैं जो पॉलिसी मैटर्स होंगे, कई ऐसे मामला हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेट करेंगे, कई ऐसे मामला हैं जिनके पोजिशनिंग बहुत मुश्किल होगी, तो वो शायद यानी इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको करना ये चाहिए इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी एक लेजिस्लेशन का एक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल बना दें, इनिशियल कंप्लेंट थोड़ा बहुत करके ना, ये जो बराह रास्त पोर्टल में रहेगा तो अच्छा, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक बिठाना पड़ेगा जो बैठ के तय करेगा, और ये नहीं कि हर इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल हो जाए। हाइक भी हो सकता है, पूरी दुनिया हाइक कर लेगी। देखा ना, मैं वही तो कहने लगा ना कि देयर आर सो मेनी इश्यूज। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो आपके आर्टिकल 17 ने ये जो है ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का प्रिंसिपल एनफोर्स कराया हुआ है, हर काम नहीं कर सकेंगे आप, सर्टन रिस्ट्रिक्शंस रखी हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सॉवरेनिटी के हवाले से, ये सारी की सारी चीज़ें वो रखी हैं। दूसरा आपका जो इशू है ग्वादर के अंदर, मैं तो खुश इसलिए हूँ कि पाकिस्तानी चलें वो इसराइली वज़ीर आज़म आया या नहीं आया, नहीं आना था, लेकिन लोगों को ये यकीन आया कि पाकिस्तान ऐसा बोल गया या कोई भी अब आ सकता है। वो मैं कंडेम करता हूँ अगर वो आएँ, चूँकि वो हैं नहीं, हमारे हवाले से सर्टन रिस्ट्रिक्शन है, उसकी परमिशंस है नहीं, वीज़ा लगता नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन इस कॉन्टेक्स्ट में है, कम से कम पूरी दुनिया के अंदर ये डिस्कशन शुरू होगी कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है। वो जो कॉन्सेप्ट नवाज शरीफ साहब ने, आपको याद है वो सिरिल अल्मेडा का जो मैंने केस किया हुआ है, वहाँ बैठ के जिस तरह की वो बातें की और कोशिश की कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये एक अच्छा साइन है कि जो आने वाले दौर में चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। अकबर साहब आप इधर आगे बढ़िए, इसी सवाल यही रहेगा इसी सब्जेक्ट पर। देखिए सबसे पहली बात जिन्होंने राइट इन्फॉर्मेशन बात की है, आप इस वक्त दुनिया में जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं, लेट अस हम दुनिया पर नज़र डालते हैं, अमेरिकन मॉडल है हमारे सामने, एक अमेरिकन गवर्नमेंट ब्रिटिश भी है जो हमें देते कुछ नहीं, अच्छा एक यूरोपियन मॉडल स्विट्जरलैंड है नहीं देते, जो ब्रिटेन बेस था, लेकिन उससे यूरोप पूरा बगावत कर चुका है, जर्मनी ने अपना निज़ाम बनाया, फ्रांस ने अपना बनाया डिगाल की। बात यह है कि कोई भी कामयाब सिस्टम जो है वो इस किस्म के ऐशों की इजाज़त नहीं देता। ये भी तेज रफ्तार है। नो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इन चाइना, देर इज़ नो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों को देखें, आप अब वेस्ट को तरक्की याफ्ता समझना बंद कर दें। दे आर अ डिक्लाइनिंग फोर्स, दे आर गोइंग आउट, 48% वर्ल्ड इकोनॉमी में इनका हिस्सा होता था अमेरिका का एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, अब वो 21% शुक्र कर रह गया है। और इनका ख्याल था कि 2080 में जाके चाइना 6th पावर बनेगा इकोनॉमिक, ये मैं 40 साल पहले के इनके, और वो अभी इट इज़ ऑलमोस्ट कैचिंग अप और नेक टू नेक जा रहा है। देखिए अगर आप सच बोलना चाहें, हमारे इमरान खान साहब ने अपनी पहली पहली तकरीर में, मेरा उनसे ज़ाती भी रबता रहता रहा है, वो विरासत मदीना की बात करते हैं, विच ऑफकोर्स हर मुसलमान जो है ना उसका ड्रीम है, रियासत मदीना का मतलब क्या है। अब जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो एक सवाल खुद ब खुद उठता है, हमारे सिद्दीक साहब यहाँ बैठे हैं, रियासत मदीना में कोई अपोजिशन नहीं थी, रियासत अच्छा। मदीना में वन पार्टी गवर्नमेंट थी जिस तरह चाइना में है, रियासत मदीना में डेमोक्रेसी उस पार्टी के अंदर थी, प्लूरल सिस्टम जहाँ होगा, आपकी एक प्लूरल सोसाइटी है, अमेरिका में भी प्लूरल सोसाइटी है, लेकिन अमेरिका में दो किस्म के कैपिटलिज्म जो है ना, दे आर एट वॉर। एक कैपिटलिज्म वो है जिसको हम सोशलिस्ट या यूं कह लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी वाला, उसमें वो बिलीव करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पब्लिक सेक्टर पर खर्च किया जाए, मतलब ये कि उनकी सोच ये है, और वो रिफॉर्म बेस्ड है, वो शुरू से चला आ रहा है। और दूसरा ये है,
کہ ملک کی اکانومی کو بلڈ کیا جائے اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا تو عوام خود خود ان کے ساتھ ایک گڈ لک بھی جڑی ہوئی ہے. تین طرف سمندر ہے, ایک طرف ہمارا سسٹم جو ہے. آپ جب تک یہ سسٹم نہیں جائے گا اس ملک کا مطلب کہ یہ سسٹم آپ دیہاتوں میں, لیکن فرانس نہیں افورڈ کر سکتا, مخالفت بڑھ جائے گی. آپ 1956 کے میرے صدیق صاحب نے کہا کوئی نہ قانون سازی کرنی چاہیے. دیکھیں نا 1956 میں یہی مسئلہ جو آج پاکستان کو ہے فرانس فیس کر رہا تھا. اچھا فرانس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ فرینچ ہیں, پاکستان بدقسمتی سے یوگوسلاویا کی طرح اٹ از ناٹ ایون اے فیڈریشن, اور 18ویں ترمیم کے ذریعے اسے کنفیڈریشن تقریباً بنا دیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا الارمنگ ہے. یو آر رائٹ, نہیں یہ ایک سازش ہے, یہ کنسپریسی ہے. میں ان لوگوں میں جو بلیو کرتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے 1973 کے آئین میں جب انہیں موقع ملا تھا, دیکھیں نا 1956 کا آئین بنا تھا, اس میں دو یونٹ بنائے گئے تھے. ایک کوشش کی گئی تھی کہ نیشنل انٹیگریشن ہو جائے, مطلب یہ کہ اس سے کسی کی شناخت ختم نہیں ہوتی. اب امریکہ میں پیورٹو ریکنز بھی رہتے ہیں, اٹیلینس بھی رہتے ہیں, نیگروز بھی رہتے ہیں, دنیا کی ہر آبادی رہتی ہے, ہر جگہ رہتی ہے. وہاں آئیڈینٹی کا کوئی کرائسس نہیں ہے. کہ بھائی آئیڈینٹی کا کرائسس آپ پاکستان میں کریٹ کیوں کیا گیا ہے؟ آگے چلیں. ہاں جی اوکے. میڈم کمل آپ بتائیے کہ تو مسلم لیگ نون کو تو یہ قانون فیور بھی نہیں کرتا, بن بھی گیا, کیونکہ آپ لوگ تو سیدھا سیدھے کام کرتے ہیں, پروجیکٹ بنایا اور ریکارڈ جلایا, کام ختم, کیا کریں گے؟ پہلے تو اقبال شاہ صاحب, میں آپ کی بات کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کروں گی, لیکن میں پیچھے سے لنک ضرور جوڑوں گی. جی میں ضرور آپ کی بات کا جواب دوں گی. بات ہو رہی تھی آر ٹی آئی کی, تو آر ٹی آئی کوئی نئی بات نہیں ہے اس ملک میں, پہلے سے ایک سسٹم موجود ہے, باقاعدہ اس پہ بڑا اچھا کام ہوتا رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ فون کالوں والے شعبدہ بازی سے آپ اپنے مقصد سے بہت دور لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی شعبدہ بازیاں کر کے آپ جو ہے وہ اپنے 100 دن کے ایجنڈے کو لوگوں کو بھلا دیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ وہ 100 دن کا ایجنڈا جو تھا وہ کہاں گیا؟ آج لوگ پوچھ رہے ہیں وہ 1 کروڑ. سر ہم تو کھڑے ہیں, ہم تو بالکل, ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ 100 دن پورے ہوں. آپ آ جائیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ جب پہلے یہ سلسلہ شروع کیا پاکستان مالی بحران میں تھا, تو جب ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملا تو وہ میاں نواز شریف نے انکار کر دیا, وہ نہیں آ رہے, ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں پاکستان ٹف ٹائم نہیں دے پاکستان, ہم تو بالکل ٹف ٹائم دینے کے ابھی تک تو نہیں ہم نے دیا. ابھی تو ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نئی گورنمنٹ آئی ہے. دیکھیں آپ مہذب دنیا کی باتیں کرتے ہیں, آپ جدید ملکوں کی باتیں کرتے ہیں, وہاں ڈیموکریسی کے ذریعے گورنمنٹیں آتی ہیں, وہاں کہیں تھوپا نہیں جاتا, وہاں سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں آتے, وہاں الیکٹڈ گورنمنٹس آتی ہیں. اور اگر آ گئی ہے آپ کر دیجیے, آپ بھی آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, کہ سلیکٹڈ کیا مطلب ہے یا الیکٹڈ کیا مطلب ہے کہ وہ ووٹ لے کے نہیں آیا؟ سر جس طرح آئے ہیں میرے خیال سے بڑے ان کے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور یہ کوئی دنیا سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی. بار ہم کیا میسج دیں گے جب ہم معاہدہ کریں گے جا کے اپنے ملک کے لیے؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ باہر والے یہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر میں کہ توبہ شرم آتی ہے یہ بات کرتے کہ جس ملک کا وزیر اعظم باہر جا کے بھیک مانگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم بیکاری ہو جائے گی. آج وہی وہ واپس آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم بھیک نہیں, مبارک ہو قوم, تمہیں پیکج لے کے آیا ہوں. مجھے یہ بات بتائیں کہ ان کی کوئی ایک بات, کوئی وہ کہتے ہیں نا اونٹ نے اونٹ دے دی, کون سی کل سیدھی, تو ان کی تو کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں ہے. آپ کس بات, انہوں نے کہا, اور یہ جو ٹیلی فونک بات, اگر آج اسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, 1997 میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ کام شروع کیا تھا. ہاں مجھے یاد آ گیا 2013 میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ زرداری اس ملک کو 14,000 بلین قرضہ چھوڑ کے گیا ہے, تو ہمیں تباہ و برباد کر گیا, ہمارا ملک نہیں چل سکتا, تو الحمدللہ 2,500 بلین چھوڑ کے چلے گئے میاں صاحب. اس کا کیا جواب دیں سر؟ میں کہتی ہوں جی آپ کتنا خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خزانہ خالی ہے, اقتصادی بحران پیدا ہو گیا, دوسری طرف آتے ہی آپ لاکھوں ٹن گندم جس کے گھر اپنے کھانے کو لے رہے ہیں وہ کسی کو کیسے گفٹ کر سکتے ہیں؟ آپ لاکھوں ٹن گندم جب افغانستان کو گفٹ کرتے ہیں تو وہ کہاں سے اگ کے آ گئی 4 دنوں میں تبدیلی, یا وہ اس قدر جلدی آ جاتی ہے کہ اچانک سے سب کچھ ہو جاتا ہے؟ کام کرنا کرنا تھا, سوال یہی رہے گا, آپ ذرا پاکستان سٹیزن پورٹل پر تھوڑی سی بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان ایکسلنٹ اسٹیپ ٹیکن بائی دا گورنمنٹ. دیکھیں
मैं कहता हूँ 1000 कंप्लेंट जो होती है उसमें अगर किसी एक की भी मज़लूम की दादरसी हो जाए तो खुदा भी खुश और इंसान भी। कितने लोग आप लाएंगे? हमने तो पुराना, अब यहाँ पर मेरी बात सुने, अब कहते हैं जी फलां वक्त हुआ, फलां वक्त हुआ, फलां वक्त हुआ। ये आज भी हमें करना है कि जो चीज़ भी करें इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग कोऑपरेट नहीं किया करते। मुआशा दस्तों गिरेबान नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखें, इस पार्टी ने आके एक अवेयरनेस ऐसी की जिससे कि मैं कम अज़ कम बहुत उसका मुतरफ हूँ, बिकॉज मेरा एक कॉन्सेप्ट था पब्लिक सुओ मोटो का, वो भी आ रहा है। दिस इज़ दैट, ये उसी की तरफ एक स्टेप है। मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज माशरा जब बोलेगा, अभी क्या हुआ, अभी आपके तो पता चलेगा ना लोगों को। अभी क्या होता है, अभी जो हमने पिछले टेन्योर देखा है, 1.5 साल पिछला, मैं बाकी बातें छोड़ दें, 1.5 साल आपका क्या काम हुआ, तमाम मिनिस्टर, तमाम हुकूमत, हुकूमत वर्सेस हुकूमत लड़ रही थी, और जितनी तबाही ला सकती थी उस 1.5 साल में लाई गई। इसलिए आज अगर किसी ने 1.5 साल पहले कहा था कि मैं ये कर लूँगा, तो 1.5 साल में जो पीछे हटे हैं, जो तबाही हुई है, उसको भी तो रिकवर करना है। दूसरी बात यह है कि ये यू टर्न कोई ताना नहीं होना चाहिए। एक आदमी अगर महसूस करता है, मैं महसूस करता हूँ, आप महसूस करते हैं कि मेरे मुझसे ये गलत होने वाला है, और दोस्तों ने कहा है तो अच्छा किया। मैं तो इसको डेमोक्रेसी कहता हूँ, दिस इज़ ट्रू डेमोक्रेसी, ये कोई ताना नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, अपना इसमें जो प्रॉब्लम दरपेश है वो ये है कि गुज़श्ता 40 साल से, दैट मीन्स वो लोग भी जो आज 50 साल के हैं, इन लोगों ने अपनी सोच, अपनी जहन, अपना तरीका कार, 2 खानदान और 40 मनहूस चेहरों के पास गिरवी रख दिया था। अब कोई चीज़ भी गलत, कोई चीज़ भी नहीं आती है उसके ऊपर हमें यूँ लगता है कि ये तबाही फेर देगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितनी हमें ज़रूरत थी स्टर करने की, नहीं, मैडम ने कहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रही हैं कि ये तो कहता था कि मैं बाहर से खैरात नहीं मांगूंगा, हाथ नहीं फैलाऊंगा, अब बाहर जाके मालिम, देखो मेरी बात सुने, ये तो मैं कह रहा हूँ मेरा अज़्म है कि मैं ये नहीं करूँगा। मैं देखता हूँ कि जब पहुँचता हूँ तो 1.5 साल लग गया पूरी गवर्नमेंट को तबाह करते हुए, पूरे पूरे मुल्क को प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ कर दौड़ा भगा दिया जाता है, कोर्ट को मतलूब आदमी को जो कि कौमी खजाने का निगेबान था, वो किया, सारे वजीर, उस वक्त लड़ाई ये हो रही थी कि वजीर दाखला को रोका क्यों गया नैब कोर्ट के अंदर जाने के लिए, जो बात से शर्म है किसी भी कौम के लिए। देखे मेरी बात सुने, उन तमाम तबाहियों को समेटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ये जो आप न्यू पोर्टल की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि इसमें कोई ना कोई आवाज़ तो ज़रूर सुनी जाएगी, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे काबिल लोग जो कि बहुत सारी काबिल अच्छी सजेशन रखते हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है, उनको पहुंचाने वाला कोई नहीं होता। कोई ना कोई आवाज़ तो पहुंचेगी, और अगर कुछ भी नहीं तो कम अज़ कम इट विल वर्क फॉर द पब्लिक सो मोटो इन द कमिंग डेज। नाज़रीन, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।